आज मैं पालक की सब्जी एक नए तरीके से बना रही हूँ। इस तरह से पालक की सब्जी बनाकर कभी नहीं खाई होगी। गैस पर मैंने कढ़ाई रखी है। कढ़ाई में हम 2 चम्मच मूंगफली दाने डालेंगे। मूंगफली दानों को रोस्ट कर लेंगे। चलाते हुए मैंने मूंगफली दानों को रोस्ट कर लिया है। अब इसमें हम 1 चम्मच सफ़ेद तिल डालेंगे। सफ़ेद तिल को रोस्ट कर लेंगे। तो तिल को भी चलाते हुए रोस्ट कर लिया है। 1 चम्मच बेसन डालेंगे। बेसन को भून लेंगे। गैस की फ्लेम को स्लो ही रखेंगे क्योंकि बेसन बहुत जल्दी जल जाता है। तो बेसन को चलाते हुए भून लिया है। अब गैस बंद कर देंगे और सभी चीज़ों को प्लेट में निकाल लेंगे। सभी चीज़ों को प्लेट में निकाल लिया है। ठंडा करने के बाद अब इसे हम मिक्सी के जार में डालेंगे। जार में डालकर सभी को पीस लेंगे। इस तरह से सभी को पीसकर पाउडर तैयार कर लिया है। 1/2 किलो पालक का डंठल निकाल दिया है। पालक को वॉश कर लिया है। अब इसे कट करेंगे। तो पालक को मैंने कट कर लिया है। इसे प्लेट में रखेंगे। गैस पर कढ़ाई रखी है। कढ़ाई में 1 चम्मच तेल डालेंगे। तेल को हल्का सा गर्म कर लेंगे। तेल भी गर्म हो गया है। अब हमने जो पालक कट करके रखी थी उसे कढ़ाई में डालेंगे। पालक को चलाते हुए मिक्स करेंगे। पालक को मीडियम फ्लेम पर धीरे धीरे पका लेंगे। पालक को हम इस तरह से पकाएंगे। पालक को अलग से उबालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो पालक को मैंने चलाते हुए पका लिया है। इसका जो भी पानी था वो भी सूख चुका है। पालक को प्लेट में निकाल लेंगे। पालक को इस तरह से पकाने पर इसके पोषक तत्व खत्म नहीं होंगे। पूरी पालक मैंने प्लेट में निकाल ली है। इसे साइड में रखेंगे। फिर से मैंने वही कढ़ाई ली है। कढ़ाई में 2 चम्मच तेल डालेंगे। तेल को गर्म कर लेंगे। तेल भी गर्म हो गया है। 1/2 चम्मच जीरा डालेंगे। 3 से 4 काली मिर्च डाल देंगे। 1/2 चम्मच खड़ा हरा धनिया डालेंगे। हरा धनिए को मैंने कूट लिया है। हाथों से क्रश करके डाल देंगे। सभी को पका लेंगे। अब इसमें 2 खड़ी लाल मिर्च डालेंगे। साथ ही में 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे। अदरक लहसुन को आप कद्दूकस करके भी डाल सकते हैं। अब इसे चलाते हुए पका लेंगे। तो अदरक लहसुन के पेस्ट को चलाते हुए पका लिया है। आप देख सकते हैं इसका कलर चेंज हो गया है। अब इसमें 2 बारीक कटे हुए प्याज डालेंगे। प्याज को मैंने बहुत ही बारीक कट किया है। आप चाहें तो प्याज का पेस्ट बनाकर भी डाल सकते हैं। तो प्याज को चलाते हुए भून लेंगे। प्याज को हल्का गुलाबी होने तक भूनना है। आप देख सकते हैं प्याज भी हल्का गुलाबी हो गया है। अब इसमें हम 1 मीडियम साइज का बारीक कटा हुआ टमाटर डालेंगे। टमाटर को आप पीस कर भी डाल सकते हैं। मिक्स कर देंगे। स्वाद के अनुसार नमक डालेंगे। सभी को चलाकर मिक्स कर देंगे। मैं नमक इसलिए डाल रही हूँ ताकि टमाटर जो है वो जल्दी से पक जाए। 1/4 कप फ्रोजन मटर डाल देंगे। 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, साथ ही में 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर। अब इसके बाद 1 चम्मच धनिया पाउडर डाल देंगे। सभी मसालों को मिक्स कर लेंगे। अब इसे हम कवर करेंगे। कवर करके 3 से 4 मिनट तक पकने के लिए छोड़ेंगे। तो आप देख सकते हैं 3 से 4 मिनट हो गए हैं। अब हम सभी चीज़ों को मिक्स करेंगे। सारी चीज़ें अच्छे से पक चुकी है। अब इसमें हम मूंगफली दाने और बेसन का जो पाउडर रेडी किया था उसे डाल देंगे। तो इसे भी चलाते हुए मिक्स कर लेंगे। बेसन डालने से सब्जी में बहुत ही बढ़िया टेस्ट आएगा और जो ग्रेवी है वो भी गाढ़ी बनेगी। तो सभी चीज़ें मिक्स कर ली है। अब इसमें 1/2 कप पानी डालेंगे। सभी को मिक्स करेंगे।
पानी आप अपने अनुसार डालें, जितना आपको ग्रेवी रखना है उस हिसाब से आप पानी डाल सकते हैं। पानी बॉईल होने लगा है तो अब इसमें हम पालक डालेंगे जो हमने भून कर रखी थी। पालक को मसाले में मिक्स करेंगे। मसाले और पालक अच्छे से मिक्स हो गए हैं, आप देख सकते हैं। अभी ये सब्जी अधूरी है, इसमें एक तड़का भी लगाना बाकी है। गैस पर मैंने एक तड़का पैन रखा है। पैन में एक चम्मच घी डालेंगे। घी गर्म हो गया है, 3 से 4 लहसुन को बारीक कट करके डालेंगे और इसे पका लेंगे। लहसुन भी पकने लगा है, आप देख सकते हैं लहसुन का कलर चेंज हो गया है। गैस बंद करेंगे। अब इसमें हम एक चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। अब इस तड़के को सब्जी में डालेंगे और मिक्स कर लेंगे। कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डालने से जो सब्जी का कलर है वो बहुत ही बढ़िया आएगा। इस तरह से लहसुन का तड़का लगाने से सब्जी में बहुत ही बढ़िया टेस्ट आएगा। तो गर्मा गर्म पालक की सब्जी को सर्व कर लेते हैं। आप देख सकते हैं पालक की सब्जी कितनी बढ़िया टेस्टी लग रही है। तो आपको पालक की ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर करें। तो मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ। थैंक यू फ्रेंड्स।